बिहार में शराबबंदी के बाद शराब माफिया अब तू डाल डाल तो मैं पात पात की खेल खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाले बड़े वाहनों की सघन तलाशी के बाद अब उत्पाद विभाग को चकमा देने के लिए शराब कारोबारी टेम्पो का भी प्रयोग कर रहे हैं। टेम्पो के छत में विशेष तरह का तहखाना बनाकर उन लोगों के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। वहीं उत्पाद अधीक्षक रंजीश कुमार के द्वारा भी लगातार जिले में सघन अभियान चलाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर उनके द्वारा वेल्दी थाना अंतर्गत सोनो चौक के समीप एक टेम्पो की रोककर तलाशी ली गई तो टेम्पो की छत में सीलिंग लाइट के रास्ते शराब छुपाए जाने की पुष्टि हुई। जब सीलिंग लाइट को खोलकर उससे निकाला गया तो उसमें से कुल 16 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जिसके बाद चालक सोनपुर निवासी अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। ये गुप्त सूचना मिली सुबह में कि उत्तर प्रदेश से एक टेम्पो आ रहा है जिसमें कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने 2-3 टीमों को अपने एक्टिवेट किया जो कि जगह जगह पर जाँच कर रहे थे। उसी में सोनो के पास इस टेम्पो को पकड़ा गया जिसमें ऊपर छत में ये बना के रखा हुआ था, बॉक्स बना हुआ था और इसमें विदेशी शराब लदा हुआ था। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो कि इसको चला के ला रहा था। उससे पूछताछ की जा रही है और आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के इससे लेके सोनपुर आ रहा था, उत्तर प्रदेश में मैरवा के पास कहीं लोड किया था और ये लेके सोनपुर जा रहा था। वो सोनपुर का ही रहने वाला है। आगे इसमें पूछताछ की जा रही है, उसके बाद उसमें जो भी आगे इन्वॉल्व होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से शराब को छुपाई गई थी? ऊपर बॉक्स बना हुआ था, लोहे का बॉक्स है और देखने से बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि इसमें शराब हो सकता है। लेकिन जांच करने के बाद जब नीचे उसके उस पर बॉक्स के नीचे एक कपनुमा ये था उसको खोला गया था, उसमें विदेशी शराब बरामद हुआ, ढक्कन लगा हुआ था। करीब इसका बाजार मूल्य 2.5 से 3 लाख के आसपास।